मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं भूख, तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदरे आली वक्कार, सर्दियों की ठिठरती हुई रात, मुँह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं, इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं, इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं, तो कप कपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलकना मुझसे देखा ना गया, तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि ख्वाब में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदरे आली वक्कार, आज इस मुअज्जिज और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज हैं। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात मुआशियात की मोहताज हैं। आइए दलाइल से बात करते हैं, रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इसी शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने दो मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए, तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धंसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के इवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदरे आली वक्कार, तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो, 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो और इबादत और रियाजत भी तब होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। सदरे आली वक्कार, आइए जमीनी हकायक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए 115 दिन गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो इस्लामी मुमालिक ने पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की, तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं? नहीं सदरे आली वक्कार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल वजह तो यह है कि हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। इस कमज़ोरी का इलाज भारत की आलमी मईशत है। हमें ये बात
तस्लीम करनी होगी कि हम इखलाकी नहीं बल्कि मुआशी बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि ये इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज हैं। सदर अली वक्कार, मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई ये यकीन रखता है और बाजिद है कि हम मुआशी नहीं बल्कि इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, तो उससे बस एक ही सवाल करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगी कि वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा आठ पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदम ले के तख्ती ले। शुक्रिया।